हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास टेंथ मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें सारे नंबर्स को एक्सप्रेस करना है उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में। पहला हमारा 140 है, हमने 140 का एलसीएम निकाला, 2 से किया 70 आया, फिर से 2 से किया तो 35 आया, फिर से 5 से किया फिर 7 आया, 7 से 7 किया 1 आया। हमने इसे लिख दिया से। अब जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोई भी चीज़ कॉमन हो तो उसे हम उसकी पावर कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे 2 डबल 4 है तो 2 का स्क्वायर 5 एक है और 7 एक है, तो हमने ऐसे लिख दिया। सेकेंड हमारा है 156, हमने 156 2 से किया आया 78, फिर से 2 से किया 39 आया, फिर से 3 से किया फिर 13 आया, 13 को 13 से किया 1 आया। हमने इसे ऐसे लिखते हैं, इसमें हमारा 2 × 2 × 3 × 13 है, इसमें 2 हमारा डबल टाइम है तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 13 मल्टीप्लाई में 3 लिख दिया हमने। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है 3825, हमने 3825 हमारा 3 से गया तो हमारा 1275 आया, फिर से 3 से गया तो 425 आया, अभी 5 से जाएगा, 5 से किया 85 आया, फिर से 5 से जाएगा, 5 से किया 17 आया, अब 17 से जाएगा तो 1 आया। इसे लिख दिया 3 × 3 × 5 × 5 × 17। अब इसमें 3 डबल 4 है और 5 डबल 4 है तो हमने उसका स्क्वायर कर दिया, 3² × 5² × 17। का फोर्थ क्वेश्चन है 5005 हमारा 5 से गया तो 1001 आया, फिर से हमारा अभी 1001 7 से जाएगा तो 7 से क्या 143 आया। अब हमारा 143 11 से जाएगा तो 11 से क्या 13 आया, अब 13 हमारा 13 से जाएगा हमारा 1 है। हमने इसे लिख दिया 5 × 7 × 11 × 13। अब इसमें कोई भी कॉमन नहीं है तो इसलिए इसमें किसी की पावर नहीं लगेगी। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है 7429, हम 7429 हमारा 17 से जाएगा, हमने 17 से किया हमारा आया 437 हमारा 19 से जाएगा, 19 से किया तो 23 आया, 23 प्राइम मतलब प्राइम नंबर है तो ये 23 से अपने टेबल से जाएगा आया 1, इसमें आया हमने 17 × 19 × 23। अब इसमें कोई भी कॉमन नहीं है तो ये सिंपल ऐसे ही आएगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। हमें एलसीएम और एचसीएफ ढूंढना है जो भी ये पेयर दे के रखा है इंटीजर्स का, और हमें वेरीफाई करना है जो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ है वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के। अपना फर्स्ट का करते हैं, 96 और 91 देख के रखा है हमने, 26 और 91 का एलसीएम निकाल लिया, 26 को 2 से किया 13 आया, 13 को 13 से किया हो गया 91 को 7 से किया तो आया हमारा 13 को 13 से कर दिया। अब हमने 26 में लिख दिया 2 × 13 और 91 में लिख दिया 7 × 13। अब एचसीएफ हमारा कैसे निकलता है, जो कॉमन होता था इसमें कॉमन 13 है 13 लिख दिया, और एलसीएम जिसकी हाईएस्ट पावर होती है, इन सब में से 2 की हाईएस्ट 1 है, 7 की हाईएस्ट 1 है और 13 की हाईएस्ट भी 1 है। हमने इन्हें मल्टीप्लाई किया तो हमारा 182 आ गया। अब हमें जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था एलसीएम मल्टीप्लाई में एलसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, हमने पहले भी किया, हम एलसीएम के नीचे एलसीएम लिख देंगे, एचसीएफ के नीचे एचसीएफ, 13 आया हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो नंबर्स थे वो 26 और 91 थे उनको मल्टीप्लाई किया। हमने इधर 182 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 2366 आया, ऐसे ही हमने 26 और 91 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा इसमें भी 2366 आया, इसका मतलब ये इक्वल है तो हमने वेरीफाइड कर दिया। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है
510 and 92। हम जैसे हम स्टार्टिंग से किया था पहला क्वेश्चन वैसे ही करेंगे। हमने 510 का एलसीएम निकाला, 2 से किया तो 255 आया, अब ये 3 से जाएगा तो 3 से किया 85 आया, अब ये 5 से जाएगा तो ये 17 पे आया, 17 को 17 से किया तो 1। ऐसे ही हमने 92 का किया तो 92 2 से गया, फिर 46 आया, फिर से 2 से जाएगा, 2 से किया 23 आया, अब ये 23 अपने टेबल में जाते तो 23 से हुआ। अब हमने इनको लिख दिया 510 और 92। अब इसमें 510 में कोई भी चीज़ कॉमन है तो कोई भी इस पावर में नहीं आएगी। अब 92 में 2 कॉमन है तो हमने 2 को स्क्वायर में लिख दिया है, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई में 23। अब HCF क्या होता है, जो इनमें कॉमन है, इनमें सिर्फ कॉमन 2 ही है, हम पावर वाले को नहीं देखते हैं, सिर्फ हम देखते हैं कॉमन क्या क्या है। तो अगर दोनों में 2 स्क्वायर कॉमन होता तो HCF भी हमारा 2 स्क्वायर आता, लेकिन इसमें बस एक ही 2 कॉमन है दोनों में, तो इसलिए HCF 2 आया। LCM वो होते हैं जिसकी हाईएस्ट पावर होती है, इसमें 2 की हाईएस्ट पावर है, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, 5 की हाईएस्ट पावर 1, 17 की 1 और 23 की 1। हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया, ये जो 2 का स्क्वायर को हमने इसको खोला तो 2 2 4 आया, 4 मतलब ये 2 का स्क्वायर जो था, हम जैसे इसे सॉल्व करते तो हमारा 4 आएगा, तो हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारा 2 3 4 6 0, ये हमारा LCM निकला। अब हमें प्रूफ करना था, वेरीफाई करना था, तो LCM मल्टीप्लाई में HCF प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, हमने LCM तो हमारी 2 3 4 6 0 थी, HCF हमारा 2 था, मल्टीप्लाई किया प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, हमारे जो टू नंबर्स थे 510 और 92 थे, हमने उसे मल्टीप्लाई किया, हमने इसे 2 3 4 6 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 46920 आया। ऐसे ही हमने 510 और 92 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा इसमें भी 46920 आया, इसका मतलब ये इसके इक्वल है, तो हमने वेरीफाई कर दिया। अब हमारा थर्ड है 336 and 54। हम जैसे हमने पहले किया वैसे ही करेंगे। 336 का पहले LCM निकाला हमने, 2 से किया तो 168 आया, फिर से 2 से किया तो 84 आया, फिर से 2 से किया तो 42 किया, फिर से 2 से किया तो 21 आया, फिर से 3 से किया तो ये 7 आया, 7 को 7 से किया 1 आ गया, हमने इसे लिख दिया 336 में। अब इसमें किया 54 का किया तो हमारा ये 2 से गया तो 27 आई, 3 से जाएगा, 3 से किया 9 आया, फिर से ये 9 से जाएगा, सॉरी 3 से जाएगा तो 3 से किया, अब ये 3 आया तो 3 से 3 गया तो हमारा ये आया। अब मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसे खोल के पूरा नहीं लिखा, मैंने सिंपल ऐसे करके लिख दिया कि हमारे इसमें 2 4 बार है तो हमने 2 की पावर 4 कर दी, 3 एक है, 7 भी एक है, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 7। ऐसे ही हमने 54 का भी कर दिया है, इसमें 2 एक है, 2 लिख दिया, 3 हमारा 3 बार है, 3 की क्यूब होगी। अब HCF क्या होता है, HCF जो कॉमन हो तो इनमें कॉमन 2 है और इनमें कॉमन 3 है, तो हमने 3 लिख दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, 6 आ गया हमारा। ऐसी LCM हमारा, LCM क्या होती है, हाईएस्ट पावर, इनमें से 2 की हाईएस्ट पावर ये है, 3 की 3 क्यूब है और 7 एक की पावर 1 है, तो इसे हमने क्या, हमने 2 को 4 बार में मल्टीप्लाई किया तो ये आया 16 आ गया, 3 बार को 3 क्यूब में मल्टीप्लाई किया तो 27 आया, वह 7 को 7 से ही कर मतलब 1 क्या तो उसकी पावर 1 है तो 7 आएगा। ऐसे ही फिर हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारा 3024 आया। अब हम जैसे हम करते हैं, हमने वेरीफाई करना था LCM मल्टीप्लाई में HCF प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, LCM हमारा 3024 आया है और HCF हमारा 6 आया है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमारे जो दो नंबर्स क्या थे 336 और 54 थे, हमने इसमें यहाँ पे लिख दिया, हमने 3024 मल्टीप्लाई में 6 किया तो ये हमारा 18144 आया। अब प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स वाला किया तो 336 मल्टीप्लाई 54 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा 18144 आया, तो ये हमारा इक्वल है, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वही होता है, मतलब जो LCM निकालते हैं हम सेम वही करना है, सिंपल है, इसमें हमें कोई भी वेरीफाई नहीं करना, जैसे हमने किया था वैसे ही है। हमें इसमें 3 नंबर दे के रखे हैं, 12 15 एंड 21, हमने 12 का निकाला, 2 को 12 से किया 6 आया, 2 को 6 से किया 3 आया, 3 को 3 से किया 1, हमने लिख दिया 12 में। ऐसी 15 को किया तो 3 से गया 5 आया, फिर 5 को 5 से कर दिया, हो गया हमारा।
ऐसे ही हमने यहाँ पे लिख दिया। और अब 21 का क्या, तो 21 3 से आता है और बचा 7, तो 7 को 7 से किया तो आगे हमारा 1। तो अब क्या है, 12 में हमारा 2 बार 2 था तो हमने 2 को स्क्वायर में कर दिया, ठीक है। अब ऐसे क्या होता है जो कॉमन हो, अब ये 3 है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, तीनों में कॉमन क्या है 3 है कॉमन, तो हमने 3 कॉमन ले लिया। एलसीएम जो हाईएस्ट पावर होते हैं, इन सब में से 2 की हाईएस्ट पावर 2 स्क्वायर है, 3 की 1 है, 5 की भी 1 है, 7 की भी 1 है, हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 520। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, जैसे हमने पहले किया वैसा ही है, ये 17 मल्टीप्लाई में 23 मल्टीप्लाई में 29 3 दे के रखे हैं। अब ये 17 खुद का प्राइम नंबर है, 23 भी खुद का प्राइम नंबर है और 29 भी, तो इसमें हमारा एलसीएम निकलेगा नहीं, इसलिए 1 कर दिया है, 1 मल्टीप्लाई में 17, ऐसे ही 23 का 1 मल्टीप्लाई में 23 और 29 का भी 1 मल्टीप्लाई में 23। अब जो हमारा एचसीएफ है, अब इनमें सारा कॉमन तो 1 ही है तो हमने 1 लिख दिया। एलसीएम हमारा क्या है, 17 मल्टीप्लाई में 23 मल्टीप्लाई 29, सबकी हाईएस्ट पावर 1 ही है, हमने इन्हें मल्टीप्लाई किया तो हमारा 1133 9 आ गया। अब हमारा थर्ड आया 8 9 एंड 25, हमने 8 का किया तो 8 2 का क्यूब होता है तो हमने यहाँ पे कर ही दिया, 8 को 2 से किया तो 4 आया, 4 को 2 से किया तो 2 आया, 2 को 2 से किया 1 किया, हमारे 3 बट 2 था तो हमारे 2 का क्यूब आ गया। 3 का किया तो हमारा 9 को 3 से, मतलब 3 का 9 मतलब 3 में 9 3 बार में आता है, फिर 3 में 3 1 बार में आता है, आ गया 2 बार 3, फिर 3 का स्क्वायर हो गया, ऐसी 25 का 5 का स्क्वायर होता है, 25 में 5 आता है 5 बार में, सॉरी 5 में 25 आता है 5 बार में, और 5 को 5 से किया तो हमारा 1 आ गया। तो हमारा ये हमने 5 का किया तो ये 5 का स्क्वायर हो गया, 2 बार 5 था। एच सी एफ इसमें भी हमारा 1 ही कॉमन है सब में तो 1 लिख दिया। एल सी एम हमारा सबकी हाईएस्ट पावर, तो इसमें 2 की हाईएस्ट पावर 3 है तो हमने 2 3 लिख दिया, इसमें 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, हमने इनको सब सॉल्व खोला तो हमारा 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25 है, इन्हें हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा 1800 आ गया। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, गिवन डेट एच सी एफ 306657 इक्वल टू 9, फाइंड एल सी एम 306657। हमें एच सी एफ दे के रखा है 306 और 657 का 9, हमें फाइंड करना है एल सी एम 306657 का। सिंपल है फॉर्मेट, हम पहले गिवन लिख देंगे कि हमारा एच सी एफ ये 9 दे के रखा है, एल सी एम हमें नहीं पता, क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ हमने वही चीज़ लगा देनी है, एल सी एम मल्टीप्लाई में एच सी एफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमने एलसीएम हमारे नहीं देख रहे, हम ऐसे करते हैं जैसे हम सॉल्व करते रहते हैं, हम एक्स ढूंढते हैं, भाई जो इक्वेशन होती है हम जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही, सिंपल ये है एलसीएम हमारी 9 है, 9 लिख दी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो दो नंबर थे उनका प्रोडक्ट के दो नंबर थे, हमने इसका प्रोडक्ट कर लिया। एलसीएम मल्टीप्लाई में 9 ऐसे रहेगा, हमने इसे मल्टीप्लाई किया 306 को 657 से, हमारा है 201042। अब क्या करते हैं, अब हमें एलसीएम निकालनी है तो ये जो 9 मल्टीप्लाई में इक्वल किधर जाता है तो डिवाइड में हो जाता है, डिवाइड में आ गया, हमने इसे डिवाइड किया तो हमारा ये आया 22338, तो इसका मतलब जो हमारा एलसीएम है वो हमारा 22338 है। एलसीएम इक्वल टू 22338 आंसर है हमारा। 5 है ये, 5 बहुत ही सिंपल है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बोला है कि चेक करने की जो 6n है वो एंड होता है डिजिट 0 से, और जो n है वो कोई भी एक नेचुरल नंबर है, तो हम आंसर इसे सॉल्व करते हैं। अब 6n का अगर हम एलसीएम करें तो हमारा 2 मल्टीप्लाई में 3 आता है, अरे n हमारा कोई भी नेचुरल नंबर है तो इट डज नॉट हैव ए पेयर ऑफ 2 मल्टीप्लाई में 5। जब तक 2 मल्टीप्लाई में 5 होगा ही नहीं तो इसके में लास्ट में 0, इसकी जो लास्ट डिजिट होगी वो हमारी 0 आएगी नहीं, क्योंकि 2 5 या 10 होता है और इसमें पेयर नहीं बन रहा, इसमें 2 मल्टीप्लाई में 3 बन रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है। और जो ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 इज 2 एंड 3, जो ओनली सिर्फ 6 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 और 3 है, उससे अलग नहीं है, तो हैंस इट डज इट
हैंस 6n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n. तो इसलिए जो हमारा 6n है वो एंड नहीं हो सकता कोई भी डिजिट 0 से जिसकी जो n की कोई भी नेचुरल नंबर है. आपको समझ आ गया होगा अच्छे से. अब हमारा 6th का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 प्लस में 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस में 5 आर कंपोजिट नंबर. हमें एक्सप्लेन करना है कि क्यों जो ये नंबर और ये नंबर हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं. तो आंसर करते हैं, सॉल्व करते हैं. कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन टू फैक्टर्स. जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं. अब जैसे 7 × 11 × 13 है, इसमें कॉमन हमारा 13 है. हमने जो 13 कॉमन ले लिया ब्रैकेट में, क्या बचा 7 × 11 + 1. ठीक है, ये प्लस का 13 का 1 बचा है. तो इसमें जो हैज़ फैक्टर्स, इसमें कितने फैक्टर है, 7 है, 11 है, प्लस का 1 है, 1 और 13 है. तो एज इट हैज़ मोर देन टू फैक्टर इट इज़ कंपोजिट नंबर. तो इसमें सिर्फ इसमें दो से ज़्यादा फैक्टर है. देख रहे हैं आप, 7 है, 11 है, प्लस का 1 है, 1 है और 13 भी है. जैसे 1 और 13 भी है. तो इसमें देख सकते हैं, इसमें कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं, और इसमें मोर देन टू फैक्टर्स ही है, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है. सिमिलरली जैसे हमने उसका क्या था, ऐसी 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस में 5, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे सेम. इसमें कॉमन 5 ले लिया है, 2 5 है, कॉमन ले लिया. ब्रैकेट में क्या बच गया, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस में 1. ओके, तो अब ये इसके ब्रैकेट में, अब इस नंबर में भी 1 और 5 फैक्टर है, और ये सारे फैक्टर्स है. इसमें भी दो से ज़्यादा फैक्टर्स है, तो इसका मतलब ये हमारा कंपोजिट नंबर है, क्योंकि कंपोजिट नंबर में दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं. अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, 7th. बड़ा है थोड़ा सा, लेकिन सिंपल है, करने में मज़ा आएगा. 7th क्या है, देयर इज़ ए सर्कुलर पैथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड. एक सर्कुलर पैथ है, एक मतलब सर्कुलर रास्ता है स्पोर्ट्स की फील्ड में. सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड. जो सोनिया है उसने 18 मिनट्स लिया है उस जो सर्कुलर पैथ है. सोनिया ने 18 मिनट्स लिए हैं उस सो जो सर्कुलर पैथ है उसका एक राउंड करने में. वही जो रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम. वही जो रवि है उसने 12 मिनट्स लिए एक राउंड पार करने के लिए. सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट. सो मतलब सपोज कि जैसे कि उन दोनों ने एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया था एंड एट द सेम टाइम, वो भी एक ही टाइम पे, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, सेम ही डायरेक्शन पे जा रहे हैं. आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. तो आफ्टर मतलब कितने मिनट्स में वो लोग फिर से एक साथ मिल पाएंगे. तो हम इसका आंसर करते हैं. आंसर है, इफ़ वी हैव टू फाइंड आफ्टर हाउ मैनी मिनट दे अगेन मीट, वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 18 और 12. अगर हमें ढूंढना है कि आफ्टर कितने मिनट्स में वो लोग फिर से मिलेंगे, तो हमें उसके लिए एलसीएम ढूंढना होगा 18 और 12 का. तो ढूंढते हैं, हमने यहाँ पे 18 का निकाला, 12 का. 18 को 2 से किया तो 9 आया, 9 को 3 से किया तो 3 आया, 3 को 3 से 1 आया. हमने यहाँ पे लिख दिया इसमें 3 दो बार है, तो हमने 3 का स्क्वायर लिख दिया, 2 × 3 में 3 का स्क्वायर. ऐसे ही हमने 12 का किया, हमने 12 का कर लिया, तो 12 को 2 से किया तो 6 आया, 6 को 2 से किया तो 3 आया, 3 को 3 से किया 1 आया. ठीक है, हमने इसमें 12 का लिख दिया, इसमें 2 दो बार में है तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3. अब हमारा एलसीएम निकालना था. एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट पावर जिसके वो लिखते हैं. तो इसमें एक तो 2 की हाईएस्ट पावर स्क्वायर है 2 है, और एक तो 3 की हाईएस्ट पावर 2 है. हमने इसको सॉल्व किया तो 4 × 9 आया, 2 2 4 3 3 9. अब इसे मल्टीप्लाई किया, 4 9 36 आ गया.
तो हैंस आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। इसका मतलब कि वो 36 मिनट्स के बाद वो लोग फिर से एक जगह पे मिलेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना। और जितने लाइक और सब्सक्राइब होते रहेंगे मेरे चैनल में, मुझे लगेगा कि मेरी वीडियो अच्छी बन रही है। तो प्लीज़ मैं कोशिश करूँगी और भी ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। इसके आगे का भी वीडियो मैं जल्दी जल्द सेंड कर दूँगी। प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना। थैंक यू।